ओके बेटा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस मास नंबर वेरी करता है, और मास नंबर वेरी करने का रीजन है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इनका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, साइड में ऐसे शेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। कौन से हैं वो दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और इन सब का बस फर्क आता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि प्रोटॉन्स फिक्स्ड हैं, हर एलिमेंट को जो आइडेंटिटी मिली है वो उसके प्रोटॉन्स की वजह से मिली है, जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें फिक्स्ड नंबर, हर एलिमेंट के पास फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जिसकी वजह से उसको एक डिफरेंट सिंबल असाइंड है, और टोटल 118 एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में जो हैं, सबका प्रोटॉन डिफरेंट है, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और जितना एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये है आइसोटोप्स। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं आइसोटोप का, कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब इसमें आइसोटोप्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो है 12, 13 एंड 14, ठीक है। सो इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल दीज आइसोटोप्स? 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दीज आइसोटोप्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फर्स्ट आइसोटोप, इन सेकेंड वन 7, इन थर्ड वन, ठीक है। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स? मैंने आपको बताया मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास नंबर, ये जो ऊपर लिखा है ये मास नंबर है, ठीक है, और जो नीचे लिखा है वो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन तो सेम है। तो फर्स्ट केस में 12 इज इक्वल टू 6 प्लस एन, सेकेंड केस में 13 इज इक्वल टू 6 प्लस एन, एंड थर्ड केस में 14 इज इक्वल टू 6 प्लस एन। ऐसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर आएगा 6 आंसर, इसमें आएगा 7, और थर्ड केस में 14 - 6 विल बी 8, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मास नंबर गिवन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप आइसोबार की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आइसोबार अब करते हैं। आइसोबार में मैंने आपको बताया कि आइसोटोप में तो एक ही एलिमेंट होता है, उसी के बस न्यूट्रॉन वेरी करते हैं, आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो होगा डिफरेंट और मास नंबर विल बी सेम, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट अगर आप निकालो, आप इसमें क्वेश्चन नंबर देखें, 6th देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज ए एंड बी इज गिवन एज अंडर। एक है आपके पास ए, एक है बी। ए के पास है आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड बी के पास है 20 इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स में ए के पास है 22 और बी के पास है 20, ठीक है। तो इसने पूछा है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज इज दिस, गिव द मास नंबर्स ए एंड बी, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज एंड विच एलिमेंट और एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं
और आप इसका मास नंबर कैलकुलेट कर लो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मैंने आपको मास नंबर बताया, तो इसका मास नंबर कितना होगा? 40. 8 और 2 10 हो गया, और ये हो गया टोटल 40, ठीक है। और इसका मास नंबर कितना हो गया? 40. ये भी हो गया 40। मतलब इसमें कॉमन चीज क्या है ए और बी में, कि ए और बी का जो मास नंबर है वो सेम है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर, ए और बी का एटॉमिक नंबर सेम है या नहीं है? डिफरेंट डिफरेंट. है। एक का ए है 22 और बी है 20। एटॉमिक नंबर कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जेड से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अगर किसी का मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? बार आइसो बार बार, ठीक है। जिसमें मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है आइसो बार। और आइसो बार में उसका भी, जैसे आइसोटोप में क्या डिफरेंस था? उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो वो तो एलिमेंट्स अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो इसमें मास नंबर सेम भी हो सकता है, वो बस ये कि एटॉमिक नंबर का आपको देखना है कि वो स्पीशीज में बस मास आपका टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। अगर मास सेम है और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, तो वो बन जाते हैं आइसो बार। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? गिव द मास नंबर्स ऑफ ए एंड बी। ए का मास नंबर इज, फोर्टी ओके, एंड बी का मास नंबर इज, सेकंड फोर्टी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज एंड विच एलिमेंट और एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट। क्या रिलेशनशिप है दोनों स्पीशीज में दे यार? आइसोबार्स। कौन कौन से एलिमेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं आप मुझे बता सकते हो? कौन से एलिमेंट? आपको एटॉमिक नंबर 20 पता है किसका है? ओके, और 22 पता है किसका है? टाइटेनियम, नो ठीक है। कोई बात नहीं, अगर वैसे आपको एनसीईआरटी बेसिस पे 18 तक ही देंगे, पर दैट इज टाइटेनियम, ठीक है। तो टी आई सिंबल होता है टाइटेनियम का। एंड मैम, हाँ जी बोलो। ए का एटॉमिक नंबर 18 नहीं आएगा? ए का एटॉमिक नंबर, यस 18 है, मैंने 22 लिख दिया है, सॉरी, न्यूट्रॉन्स है, यस 18 है इसका। हाँ, तभी मैं सोचू आपको एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला क्यों दे दिया। दिस इज 18 एंड दिस इज 20, ठीक है, गुड। 18 है, मैंने गलती से वो न्यूट्रॉन्स वाला नंबर लिख दिया था। ए का एटॉमिक नंबर है 18, बी का है 20, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स? कैन यू टेल मी, अभी कौन से इसमें से आइसोबार हैं? सेवेंथ क्वेश्चन। क्या हाँ जी, क्या मुझे समझ नहीं आया, पर फर्स्ट वन में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन, पहले मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास बताती हूँ, फिर आप और क्वेश्चन ट्राई करना। सो एवरेज एटॉमिक मास में क्या है बेटा? जैसे आइसोटोप्स हमने किए, तो क्लोरीन जैसे हम लेते हैं, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 हो गया। तो ये दो आइसोटोप ये नेचुरली अकर करते हैं, तो दो आइसोटोप्स, एक हम ले लेते हैं 35, एक हम लेते हैं 37, ठीक है। अब नेचुरली अकर जब ये करते हैं, तो इनकी एक प्रॉपर अबंडेंस होती है कि हाँ, हमें जहां भी क्लोरीन मिलेगा उसमें ये कहता है कि 75% जो है वो 35 वाला आइसोटोप मिलेगा, और 25% जो है वो आपको 37 वाला आइसोटोप मिलेगा, ठीक है। ये अबंडेंस फैक्ट बेस्ड है,
जो नेचुरली अकर करता है वो हमें बताई जाती है, ठीक है। तो हमने इन दोनों का, थोड़ी सी मैंने अगर क्लोरीन ली तो उसमें मतलब 35 वाला आइसोटोप भी होगा, 37 वाला आइसोटोप भी होगा, लेकिन 35 वाले मास का आइसोटोप जो वो ज्यादा अमाउंट में होगा और 25 वाला कम अमाउंट में होगा, ठीक है। ये वाला कम परसेंटेज में है, ये वाला ज्यादा परसेंटेज में है, तो हमें इनका चूज नहीं करना कि हम एक चूज कर लेते, 35 वाला चूज करते, ऐसा नहीं करना। हमने दोनों को कंसिडर करना है, जिसके लिए हमें लेना पड़ता है एवरेज अटोमिक मास, ठीक है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए मुझे जो भी दो, मैंने जैसे दो मेरे को आइसोटोप्स मिले इसके, अब हाइड्रोजन के थ्री होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तीनों को कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो हैं, तो मुझे जो भी फर्स्ट आइसोटोप है 35 वाला, ठीक है, इसका जितना भी अबंडेंस है परसेंटेज में, दैट इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस जो भी 37 वाले आइसोटोप की अबंडेंस है, दैट इनटू इट्स एटॉमिक मास, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं उसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो 35 वाले की परसेंटेज कितनी थी, 75, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 35 वाले आइसोटोप की अबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, और 37 वाले की अबंडेंस थी 25%, तो 25 इंटू 37 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आता है दैट इज 35.5, दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो अबंडेंस जितनी भी है उस आइसोटोप की वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मास आपको उसका आइसोटोप्स अगर गिवन है तो वो आइसोटोप का जो भी मास होगा, ये अबंडेंसेस तीन चार जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक की अबंडेंस और उसका मास, उसके बाद उसको ऐड करना है सेकेंड वाले आइसोटोप की अबंडेंस और उसका मास, अगर थर्ड है तो वो भी प्लस थर्ड वन वाले की अबंडेंस इनटू उसका मास, और परसेंटेज के फॉर्म में दिया तो 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके एवरेज एटॉमिक मास, जो कि क्लोरीन के लिए, क्योंकि हम क्लोरीन की बात कर रहे थे तो उसका मास है 35.5 एवरेज एटॉमिक मास, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसके आइसोटोप्स के अबंडेंस के अकॉर्डिंग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्बन की अगर आप बात करोगे तो कार्बन का हमने तीन आइसोटोप्स किए, तो जो भी उसकी अबंडेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो इट, दैट इज फैक्ट बेस्ड, तो जो भी आपको अबंडेंस दी है आपको पर्टिकुलरली वो 12 वाले का जितना भी परसेंटेज दिया है उसका, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके, फिर 13 वाले का जितना भी अबंडेंस दिया है आपको उसको 13 से मल्टीप्लाई करके, और 14 वाले का जितना भी अबंडेंस दिया है आपको उसको 14 से मल्टीप्लाई करके 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास, जो कि 12.0 समथिंग आता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली उसको 12 ही लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का लोगे, तीन आइसोटोप्स आपके पास प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रीटियम, तीनों के अबंडेंसेस के अकॉर्डिंग आप उसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हो, तब वो 1.08 के करीब आता है, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेटली आप उसको 1 लेते हो, क्योंकि हम इतना उसमें नहीं जाते, होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मगर एवरेज एटॉमिक मास में अबंडेंस दी होगी आपको आइसोटोप की, अबंडेंस इनटू इट्स मास नंबर, और जितने भी आइसोटोप्स दिए हैं उनके अबंडेंस और मास नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस, या हम असाइनमेंट से क्वेश्चन पिक करें, असाइनमेंट से करें कोई क्वेश्चन पिक, रुको।
ओके एक इसमें ये भी क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो मैंने आपको बताया था ट्रीटियम, 1H3 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। एंड यस 14th क्वेश्चन पे आएंगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सेकंड असाइनमेंट में। 14th क्वेश्चन में ये कहता है गिवन दैट, सॉरी, गिवन दैट न्यू द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप नियॉन इज 90% एंड सेकेंड वाला आइसोटोप की 10% है, आपको एवरेज अटोमिक मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गिवन है नियॉन, दिस इज 22 वाला, 22 वाला इज 10% एंड नेक्स्ट इज नियॉन, नो दिस इज, या दिस इज 20, दिस इज 90%, कैलकुलेट द एवरेज अटोमिक मास। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस इनटू इट्स मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस इनटू इट्स मास डिवाइडेड बाय 100। कैन यू सॉल्व इट एंड टेक आउट द एवरेज एटॉमिक मास? यस, यस, 20.2, कितना आ रहा है? 20.2. 20.02। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखो इसके इसके बीच की एवरेज का, इसके बीच की वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, एवरेज आप जैसे लेते हो बस अबंडेंस के अकॉर्डिंग लेना है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसी के करीब आपकी वैल्यू होगी, समझे? जैसे 20 वाला आइसोटोप ज्यादा क्वांटिटी में, 90% वही है, तो उसी के करीब आपकी वैल्यू है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, बोलो बेटा। नहीं, चलो 15th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ओके, 15th क्वेश्चन में इट सेज ब्रोमीन अकर्स इन नेचर मेनली इन टू इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स। कौन से दिए हैं टू आइसोटोप्स आपके पास? ये है ब्रोमीन, 35 एटॉमिक नंबर और 79 इसका मास नंबर, एंड सेकेंड इज ब्रोमीन, 35 इट्स एटॉमिक नंबर एंड 81 इज द मास नंबर। इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल इज 16.2 U, दिस इज ऑलरेडी गिवन, मतलब हम निकाल रहे थे, इसमें ये दिया है 16.2 U। अब इसमें आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स इन दिस सैंपल। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या था यहाँ, परसेंटेज इनटू ये 35 वाला प्लस इसकी परसेंटेज, एक मिनट, 35 नहीं, यहाँ पर आएगा 79, 79 वाला आइसोटोप परसेंटेज इनटू 81, ठीक है, हाँ डिवाइडेड बाय 100। अब हमारे पास परसेंटेज दोनों की नहीं है, अगर हम लें कि क्योंकि हम परसेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, ये जो अगर मैं ये 79 वाली परसेंट और ये परसेंट 81 वाली लूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू 100, मतलब एक को अगर मैं एक्स पुट कर लूं यहाँ पर, एक को मैं एक्स पुट कर लूं और एक को मैं 100 माइनस एक्स पुट कर लूं, तो मेरी परसेंटेज आ जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक थी 10%, एक थी 90%। ठीक है, तो एक को मैं अगर एक्स पुट कर लूं, एक अगर एक्स जो है 10 है, तो दूसरी क्या होगी, 100 माइनस 10 जो कि 90 आता है। ठीक है, तो एक वैल्यू को मैं एक्स पुट कर लेती हूँ, दूसरी क्या बच जाएगी, 100 माइनस एक्स जो कि जो नेक्स्ट परसेंटेज सेकंड परसेंटेज है वो आ जाती है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में
मास अगर गिवन है उसको इधर लिख दो, 1% को एक्स पुट कर दो, 1% को 100 - एक्स पुट कर दो। 100 इसलिए लिया क्योंकि परसेंट के फॉर्म में लिया है। ये जो अबंडेंसेस है दोनों का सम कितना होना चाहिए? 100। जैसे कि कितना आया, एक्स प्लस 100 - एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 100। ठीक है, तो क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है तो जितना भी ये होगा दूसरी परसेंटेज 100 में से माइनस करके आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? ये आएगा 16.2u, दिस इज इक्वल टू 79x प्लस 100 into 81 - 81x अपॉन 100। अब कर सकते हो इसको सॉल्व? बोलो, कर सकते हो या नहीं? यस ये तो मैथ्स है, अब ये केमिस्ट्री या साइंस नहीं है। चलो सर, फटाफट एक्स की वैल्यू निकालो। 3740 बहुत ज्यादा आ गई, 37 point समथिंग शुड बी देयर। डेसिमल लगाया अच्छे से, ये 100 वाला इसका डेसिमल लगाया। एक्स आया आपका 37। आपको एक्स भी निकालना है, 100 - एक्स भी निकालना है। ये दोनों परसेंटेजेस आपको निकालनी है। पहले एक्स की वैल्यू बताओ, फिर 100 - एक्स की वैल्यू बताओ। मैम 3740 बेटा इतने नहीं आएगी, परसेंटेज के फॉर्म में आनी चाहिए। एक्स की 37.40 और 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 100 - 37। अपना डेसिमल चेक करो, और किसी ने नहीं किया क्या? किसी और का अगर डिफरेंट वैल्यू आई है एक्स की, प्लीज लेट मी नो। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास के नॉट भी 16.2 u। आया कुछ आंसर? वैसे ब्रोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट कैन नॉट बी 16, इट शुड बी अराउंड 80, 79 point समथिंग, बिटवीन 79 and 81 होता है। तो आई क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन। आप मुझे कोई और क्वेश्चन में कुछ, या और टॉपिक आपका कोई रहता है तो आप मुझे वो पूछ सकते हो तब तक। कोई और टॉपिक, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एवरेज एटॉमिक मास, कुछ भी कोई टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो बेटा। Gracias.
आपकी कितनी आई? मेरे को ये देखना पड़ेगा कि एवरेज एटॉमिक मास इस क्वेश्चन में जो लिया है दैट इज नॉट एक्चुअल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, सो आई विल चेक इट. वेट, कितना है बेटा? इसमें जो एवरेज एटॉमिक मास है वैसे इट शुड बी अराउंड 80, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ. यू कैन आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर टॉपिक जो आप करना चाहते हो, कोई भी चीज इस चैप्टर में से. प्लीज रेज योर हैंड, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है इसमें से तो प्लीज. बस, नो डाउट्स? तो आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करना, जो डाउट्स होंगे फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके बेटा. हाँ जी, नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग मैम. हाउ वाज योर केमिस्ट्री क्लास? जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए बेटा? आज की असाइनमेंट हो गई? कितने क्वेश्चंस हो गए? चलिए बेटा, मैम ने इंपॉर्टेंट वाले करा दिए, आई होप बाकी के आप खुद कर लेंगे. ठीक है, जो डाउट्स हो मैम है, नहीं तो अगली बार हम कर लेंगे. वैसे तो अब आपके एग्जाम्स हैं, बट आप अपनी मैम से पूछ लेना. ठीक है, अगर कुछ होगा तो फिर हमसे पूछ लेना. इज इट ओके? ठीक है, जो मैम ने इम्पोर्टेंट करवाना था, जो मुश्किल थे इसमें, वो मैम ने आपको करवा दिए. पिछली असाइनमेंट के आपके सारे डाउट हो गए, यस और नो? चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, वी विल मीट आफ्टर योर एग्जाम्स. डू द एग्जाम्स वेल. हमेशा ये याद रखना कि एग्जाम से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर लो. वो जितना डर होता है ना एग्जाम्स का, वो निकल जाता है. यस और नो? ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ो, समझ के पढ़ो. ठीक है, तो नाउ वी विल मीट आफ्टर योर एग्जाम्स. ओके बेटा, बाय बाय. बाय बाय बच्चे. Thank you.